यहीं पे खाना बनाते हैं हमारे लिए, लिट्टी चोखा सब कुछ। अच्छा आलू की नहीं, लौकी की, सॉरी मैं अभी टेस्ट नहीं किया। और अपना तैयार है एक शुद्ध देसी खाना। तो हेलो दोस्तों, आज सुबह से ही फरियादी आ गए थे काफ़ी, सुबह 7 बजे से ही, तो लगातार तब से मैं व्यस्त था। अभी थोड़ा सा काम से समय मिला है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या खाना बना हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैं यहाँ पर चौकी में रहने लगा हूँ, और यहाँ पर एक ये एक दूर दराज का गांव है, तो यहाँ पर सुविधा नहीं है बाहर से खाने मंगाने की, या जैसे अपन मऊगंज में थे तो मिडवे या दूसरे रेस्टोरेंट से ले लेते थे, पर यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक अपना चौकीदार है, वो स्वयं खाना बनाता है हम लोगों के लिए, 2-3 जो स्टाफ है उनके लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो कैसा खाना बनाता है, और आज क्या बनाया हुआ है देखते हैं, टेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिलहाल है हम लोग अपनी चौकी हाटा में, और सुबह के 10 बज रहे हैं। फिलहाल मैं एक अमरूद के पेड़ के नीचे में बैठा हूँ बाहर आंगन में, और अपना तैयार है एक शुद्ध देसी खाना, गांव का खाना, बढ़िया बहुत शानदार दाल है यहाँ पे, तड़का लगाए हैं इसमें जी जी हाँ। तड़का वाली दाल, आलू की सब्जी, और सलाद में अपने पास मूली और चावल, और बढ़िया देसी घी में लगी हुई रोटियाँ। इससे अच्छा खाना तो हमको बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता है, एकदम देसी अपने राम भवर जी ने बनाए हैं। थैंक यू सो मच। सब्जी है सर लौकी। अच्छा आलू की नहीं, लौकी की, सॉरी मैं अभी टेस्ट नहीं किया। मुझे देखने में लगा आलू की है, ये लौकी की सब्जी है, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। रुक जाइए मैं खा के बताता हूँ कैसे बनाए हैं, ठीक है। खैर ये है कि शुद्ध घी वाली रोटी खाने का एक अलग ही आनंद है, बहुत शानदार जी, मजा आ गया जी। बहुत अच्छा खाना बनाते हो रामभोर भाई, कितना समय हो गया आपको बनाते खाना चौकी में? चौकी में हमको हो गया कम से कम 7-8 साल हो गए। अरे बहुत जबरदस्त, तभी आपका हाथ और जम गया है एकदम, है ना जी जी, बहुत शानदार। दाल अच्छी बनी है सर? दाल बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी दाल, मेरी आपके यहाँ की दाल मेरी फेवरेट है जी, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे दाल, वैसे भी मैं शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद करता रहा हूँ, पर आपके यहाँ की तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असल में हाटा आ रहा था तो सोच ही रहा था कि मतलब खाने की क्या व्यवस्था होगी, कैसे करेंगे, पर आप मिल गए तो बहुत शानदार हो गया। इतना अच्छा तो मैं मऊगंज में भी अरेंज नहीं कर पाता था, मऊगंज में क्योंकि मैं होटल से खाता था मिडवे वगैरह से जी जी, तो इतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता था क्योंकि सर ज़्यादा मसाला वसाला नहीं पड़ता, देसी खाना बने सब कुछ पड़ता है। हाँ नहीं यही अच्छा लगता है, मसाला कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल सही, एकदम हेल्दी खाना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी सारे लोगों के लिए भी खाना बना है ना जी? हाँ अभी आएंगे वो तो जी, है ना, बात हुई है ना। आपने खाया खाना हा? आपने खा लिया खाना? अब नहीं खाना खाया। चलिए आप भी फटाफट खा लीजिए, सब्जी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत शानदार। ताजी तोड़ के वाग लिया है। अच्छा हाँ। लौकी अभी ताजी तोड़ के लेके आए जी? हाँ तभी एक अलग ही टेस्ट आ रहा है एकदम, तो फ्रेश सब्जी का दुकान है, दुकान का ना हुई सब्जी। हाँ अभी मैं वहाँ फरियादी आई थी, वहाँ बैठा था, उनकी बात सुन रहा था, तब आप गए थे ना बाइक से? हाँ फिर गन बाइक से लेके आए हैं। बहुत सही, तो ये ताजी लौकी है जो अभी अभी राम बहुर जी लेके आए हैं और तुरंत मेरे लिए बनाए हैं और बाकी स्टाफ के लिए, तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा ये बहुत शानदार, शाम को मैं आपको दिखाऊंगा कि यहीं ये चूल्हा है, दिखाई इधर, यहीं ये चूल्हा है। और यहाँ पर भी मतलब मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे बैरक में हमने किचन वाला सिस्टम बना रखा है नीचे, ऐसा मतलब गैस चूल्हा वगैरह है, लेकिन चूँकि ठंड है तो रात को बढ़िया क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं, तो अब राम भवर जी यहीं पे खाना बनाते हैं हमारे लिए, लिट्टी चोखा सब कुछ, बहुत ही शानदार क्रिस्पी सी रोटियाँ रहती हैं, क्योंकि जैसे ये गैस की रोटियाँ हैं तो ये तो हम लोग खाते रहते हैं गैस चूल्हे वाली, लेकिन जो चूल्हे की रोटियाँ रहती हैं उसका एक अलग ही आनंद रहता है, क्रिस्पी सी रहती हैं, उसमें एक अलग ही सौंधापन रहता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो कल रात को मैंने खाई थी और चूंकि समय कम था तो मैं ट्राई करूंगा कि अगली बार आप जब भी बनाएंगे, है ना, जब भी आप लिट्टी चोखा या रोटियां बनाएंगे इसमें तो मुझे पहले बताना जी, अगर मैं काम से जल्दी फ्री हो गया तो मैं आऊँगा और शुरू से आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये चूल्हे में बनाते हैं एकदम देसी स्टाइल में इतनी शानदार रोटियाँ और शानदार खाना। देखिए कितनी शानदार है दाल सब्जी, बढ़िया ये पानी रखा है, ये मेरा जिम का भी सामान रखा है, ठीक है उसको छोड़ी फिलहाल। और ये है अपने राम भवर जी, हेलो बोलिए राम भवर भैया, हेलो बोले हाथ हिला के, हेलो थैंक यू सो मच, आप हमें इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है, इतना प्रेशर रहता है, लेकिन आपका खाना समय निकाल के जब भी खाना आप खा पाते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
देख सकते हैं कितना बढ़िया माहौल है। ठीक है, थोड़ी पुताई की ज़रूरत है तो बात की है, बहुत जल्दी इसमें पुताई हो जाएगी। और ये अमरूद का पेड़ है बढ़िया, और काफ़ी सारे अमरूद लगे भी हुए हैं, काफ़ी मीठे अमरूद हैं। अगर समय रहा तो खाना खाने के बाद हम लोग अमरूद भी खाएंगे, अगर पेट में जगह रही और समय रहा तो डेफिनेटली। ठीक है, तो फिलहाल अब इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो वही बना रहे हैं राम भौर जी अपने कुक। तो अब मैं खाने का आनंद लेता हूँ, और कभी आप लोग आइएगा तो आप लोगों को भी इनके हाथ का खाना खिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।